मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े सियासी ड्रामे में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार मुश्किल में है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी ने 6 विधायकों को बंधक बनाया था। फिलहाल जिन 6 विधायकों के नाम सामने आते थे उनमें 3 कांग्रेस और 2 बसपा, एक निर्दलीय विधायक शामिल थे, जिसमें बसपा के विधायक रामबाई भी शामिल हैं। बसपा विधायक रामबाई वापस घर आ चुकी हैं, जिसके बाद वे मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि जल्द ही सारे खुलासे करेंगी। हाँ, 2-3 दिन से जग ही रहे हम और मैं कल आपसे बात करती हूँ। अभी बहुत थकी हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलना क्या नहीं बोलना। और मैं जो भी बोलना, मतलब झूठ मैं बोलना नहीं चाहती और सही क्या है वो अभी बताना नहीं चाहती। इसलिए आप सुबह आना, बात कर लेंगे अपन, तो जो है सही क्या है सुबह बात कर। अभी बहुत थकी हूँ। मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आने के बाद आईबी और लोकल इंटेलिजेंस की टीम भी सक्रिय हो चुकी है। विधायकों पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को अपने क्षेत्र के विधायकों पर नजर रखने के निर्देश जारी किए गए। एडीजी इंटेलिजेंस SW नकवी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब रामबाई के खुलासे के बाद ही पता चल सकेगा कि भाजपा ने उन्हें बंधक बनाकर रखा था या वो अपनी मर्जी से ITC होटल में गई थी। Your report exposed today.